दोस्तों रिव्यू करने जा रहा हूँ स्टूडियो यक्स की। ये सेटवेट फेस वाश ऑयल क्लियर क्लियर है, मतलब ये आपके चेहरे पे जो ऑयली स्किन होता है उसको ये रिमूव करता है। तो इसी के बारे में आज बताऊंगा दोस्तों। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों ये फेस वाश यूज हो चुका है, इसके अंदर कुछ है नहीं। इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से बनी है, ग्रीन और ब्लू में, डार्क ब्लू। इसकी सैम्पलिंग कुछ ऐसी बनाई है, काफ़ी अच्छी है। और ये कुछ ऐसे बना रखा है क्रश। स्टूडियो एक्स सेटवेट की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 100 ml की है 199 rupees, क्योंकि इसको कुछ एडवांस, काफ़ी एडवांस लेवल में बनाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपके चेहरे पे जो रफली होता है ये उसको ख़त्म करता है और ऑयली स्किन को भी ख़त्म करता है, और चेहरे पे जो धुंधलापन रहता है उसको ये ख़त्म करता है। तो ये अपने उसमें काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर का जो फेस वाश है वाइट कलर का है, काफ़ी गाढ़ी क्रीम है इसकी। तो और ये मारिको ये कंपनी की बनी हुई है, और ये सेलिब्रिटी स्टाइल में इसको प्रदर्शित किया गया है, प्रेजेंटेड। दोस्तों इसको यूज करना है, आप अपने चेहरे को पहले नमी दे दें, भिगो लें, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने हथेली पे और इसको 30 से 60 सेकंड तक चेहरे के मसाज करनी है। फिर अपने चेहरे को धुल लेना, धुलने के बाद अब साफ तौलिया से साफ़ कर लें फेस को। रही बात इसके डिसएडवांटेज की, तो इसको मैंने यूज किया है तो ये मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। फ़िलहाल ऑयली स्किन थोड़ी देर के लिए रिमूव रखता था, लेकिन काफ़ी देर तक के लिए नहीं, तो ये मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। बाकी इस क्रीम में कोई ऐसी केमिकली फॉर्म में बनाया गया, लेकिन आपके फेस को नुकसान नहीं करेगा। तो यूज कर लीजिए इसको, लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों आप भी यूज करिए और बताइए इसका रिज़ल्ट कैसा है। बनाने में तो काफ़ी अच्छा बनाया है, और पैकिंग है, और क्रीम भी अच्छी है। हाँ, इसकी खुशबू काफ़ी प्यारी है। ये आपके चेहरे को ऑयल को रिमूव करता है, पर उतनी अच्छी से नहीं क्लियर करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।